चलो ठीक है। तो हम लोग रिसोर्सेस पढ़ते हैं, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट जो चैप्टर का नाम है हमारा जो है ज्योग्राफी का, उसका हम ये चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है, जरा समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी इजी है और काफी सिंपल है बिल्कुल, और आता है क्वेश्चन अच्छे से इधर से। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो रिसोर्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो रिसोर्स का है, जो आप लोग चीड़ फाड़ के यूज करते हो, मतलब एकदम भयंकर तरीके से यूज करते हो नेचुरल रिसोर्सेस का आप लोग, चाहे कोई भी रिसोर्स होता है उसको इतना तरीके से यूज आप लोग करते हो, आप लोग को पता है। फिर मतलब बिना सोचे समझे कि कल को रहेगा, कल को नहीं रहेगा, क्या होगा अगर नहीं रहा तो ये सब चीजों का आप लोग इतना यूज करते हो बिना सोचे समझे। जरा उसके बारे में देखें कि क्या होता है एक्चुअली नेचुरल रिसोर्स, या कोई भी रिसोर्स क्या गुड होता है। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कोई भी रिसोर्स क्या होता है जरा ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो जरा देखिए, समझते हैं। एवरीथिंग एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट, इन आवर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाइड आवर नीड्स, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो भी चीज हमारे आसपास मौजूद है एनवायरमेंट में, प्रोवाइडेड एक चीज मेंशन जरूर है, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइडेड मतलब कंडीशन लगा दिया इसने, कंडीशन लगा दिया, प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। ये तीन चीजें जरा ध्यान से समझने वाली हैं, हम इन तीनों चीज को बताते हैं। पहली चीज तो ये कि आप लोग ये चीज समझ गए होंगे कि जो भी चीज है हमारे सराउंडिंग में, हमारे एनवायरनमेंट में, जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं अपने नीड्स को पूरा करने के लिए, टू सेटिस्फाई अवर नीड्स प्रोवाइडेड दैट थ्री थिंग्स। फर्स्ट वन, प्रोवाइडेड दैट थ्री थिंग्स, ये ज्यादा जरूरी है जो फुलफिल होनी चाहिए। टेक्नोलॉजिकली, लॉजिकली क्या होना चाहिए? एक्सेसिबल होना चाहिए। मतलब अब ऐसा ना हो कि उसको हम पा ही ना पाए, मतलब उसको हम लोग पहुंच ना पाए उस तक, उसको एक्सेस ना कर पाए। टेक्नोलॉजिकली हमारे पास ऐसे मतलब इंस्ट्रूमेंट्स या मशीनरी होनी चाहिए कि हम लोग उसको पहुंच पाए, मतलब हम लोग उसको यूज करने लायक बना पाए। ये तो जरूरी है भाई, रिसोर्स तो है लेकिन यूज ही नहीं कर पा रहे। बहुत सारा देश है ऐसा जहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेस हैं और टेक्नोलॉजिकली हम लोग वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, इस वजह से वो रिसोर्स यूज नहीं हो पा रहा है। पहली बात तो ये टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। दूसरी बात उसी में खासियत ये हो जाती है कि वो फिजिबल भी होना चाहिए इकोनॉमिकली। पता चला पहुंच तो गए लेकिन ले ही नहीं सर पा रहे। फिजिबल क्या होता है? मतलब फिजिबल का मतलब जैसे आपके पास पैसा है, इकोनॉमिकली मतलब आप उसको ले पाए, फिजिबल मतलब पॉसिबल हो पाए। इकोनॉमिकली जैसे आपके जेब में 100 रुपए है और आप गए लेने के लिए कोई रिसोर्स, चाहे कोई चीज खरीदने के लिए, बर्गर खाने गए और बर्गर बोला 120 का है, तो आपके लिए वो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है। मतलब आपके पास 100 रुपए था लेकिन 120 रुपए का सामान है, आप कैसे लोगे? आप बात समझ में आ रही है? तो इकोनॉमिकली भी फिजिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, पॉसिबल फिजिबल मतलब होना चाहिए पॉसिबल। तीसरी बात जो कह रहा है कल्चरली एक्सेप्टेबल, मतलब सांस्कृतिक रूप से भी वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। पता चला कि ये रिसोर्स है, सोसाइटी को यूज करना है, कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो समाज उसको क्या नहीं कर सकता है, अपनी संस्कृति के कारण उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। बात समझ रहे हैं? तो ये भी रीजंस हो सकते हैं कि ये हमारा ये तीन कंडीशंस को। हाँ पूछिए ना, कौन ऋषि पूछिए। सर फर्स्ट और सेकंड में सर डिफरेंस क्या है सर? ये टेक्निकोलॉजिकली है, टेक्नोलॉजिकली का मतलब है कि आपके पास मशीनरी है कि नहीं है उसको रिसोर्स को पा लेने, पाने मतलब पाने के लिए। जैसे आप लोग के पास रिसोर्स, जैसे मान लो कि सिक्किम का एरिया है, या मान लो कोई पहाड़ी हिल एरिया है, तो हिल एरिया में पहली बात तो ये कि रेलवे चलाना पहले मुश्किल था क्योंकि टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल नहीं था, हमारे पास ऐसी मशीनरी नहीं थी कि हम वहां पर रेलवे का एक लाइन बिछा पाए। लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी आया, हम वहां पे बिछा लिए, मतलब वो चीज एज ए रिसोर्स लोग अपनी नीड के लिए पूरा करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब बात समझ में आ रही है? यस सर।
तो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, ये तीन वर्ड अगर छोड़ दिया आपने रिसोर्सेज की डेफिनेशन में तो आपको नंबर जीरो हो जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ये तीन वर्ड आपको याद रहने चाहिए कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, और कल्चरली क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए। कल्चरली एक्सेप्टेबल होना, कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब कि सब लोग उसको एक्सेप्ट करें। हाँ, पता चला कि पंडित जी लोग कह रहे हैं कि ठीक है हम कर लेंगे, लेकिन कोई और का रिलीजन का है कह रहा है कि अरे हमारे कल्चर में तो ऐसा है ही नहीं। बात समझ में आ रहे? तो कल्चरली मतलब सांस्कृतिक तौर पे उसको आप क्या कर पाए, एक्सेप्ट कर पाए। ठीक है, यस सर। तो ये तीनों चीजें होंगी अगर आपने, तो रिसोर्सेज का डेफिनेशन आपका पूरा हो जाता है। रिसोर्स बहुत आंख बंद करके बिल्कुल एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या होता है रिसोर्सेस, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, ठीक है, विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड, प्रोवाइडेड दैट थ्री थिंग। आप आगे या पीछे कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहते हो कल्चरली एक्सेप्टेबल पहले याद आता है, पहले लिख लो, इकोनॉमिकली फिजिकल बाद में, फिर उसके बाद आता है टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश करो कि इस ऑर्डर में लिखो। ठीक है, रिसोर्सेज का डेफिनेशन अगर आपको आता है एग्जाम में, पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेज, कई बार पूछेगा आपको, तो ये चीज कर सकता है आप सबको ही। देखो, याद करने की जरूरत नहीं, यू हैव नॉट टू लर्न दिस डेफिनेशन, बस आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए, ये टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल, तो आप इजिली क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इज इट ओके, इज इट ओके टू एवरीवन? ठीक है, यस सर, यस सर, यस सर। तो अब जैसे ये देख लो, अर्थ बना है, ऋषि पूछना है क्या, फिर पूछो। नहीं सर, नहीं सर, वो अपने आप हो गया सर। अपने आप दुनिया में कुछ भी नहीं होता बेटा। ठीक है, अरे सर सच कह रहे हैं सर आप, यकीन। चलो ठीक है, अर्थ है ये, देखो अर्थ ये दिख रहा है आप लोगों को, अर्थ है, ठीक है, वाटर एज नेचुरल रिसोर्सेज ये दिखा रहा है, वाटर देखो, एयर देखो, एनिमल्स देखो, ऑयल देखो, रॉक्स देखो, मिनरल देखो, सन देखो, प्लांट्स देखो, फिश ऑयल, ये सारी चीजें हमको पढ़नी है, ये सारी चीजें हमको पढ़नी है, ये सारी चीजें अपन को पढ़नी है। एनिमल, एयर, ऑयल, रॉक्स, सबको अलग अलग हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिसोर्सेस को अलग अलग पढ़ेंगे। सारे रिसोर्सेस है जो अर्थ से मिलते हैं, जरा समझ रहे हो आप लोग, पानी, एनिमल्स भी अर्थ से ही, अर्थ, एयर, ऑयल, रॉक्स, मिनरल, सन, गैस, ये सब कुछ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसको समझ गए होंगे। चलिए इसको हम हटा देते हैं भाई। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो ना सर, इन सबसे अलग कोई आप और रिसोर्स बता सकते हैं, इन सबसे अलग? अरे बहुत है यार, कोल है, कोयला है, मतलब बहुत बहुत सारी चीजें आएंगी, काहे परेशान हो, आगे बहुत चीजें आएंगी। ओके सर, रिसोर्सेस बहुत सारे हैं, लेकिन बस ये थोड़ा लिखने के लिए लिख दिया गया है कि इतने सारे, और आपके एग्जाम में मतलब इसी के बीच में से ही आएगा। तो इस सब्जेक्ट को साइंस मत बनाओ, ठीक है, चीजें बहुत आसान बन जाएंगी अगर आप ज्यादा डिटेल में नहीं जाओगे, बहुत कुछ नहीं समझना चाहोगे, वही समझना चाहिए जो मतलब इसमें है। बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो डिस्कशन में ही टाइम निकल जाएगा अपना, तो जरा ध्यान से। इंटर डिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन द नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, तीनों एक दूसरे में क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। मैं बहुत ही मतलब अलग तरीके से स्लाइड बना रहा हूँ, क्वेश्चंस आपके इसके बाहर नहीं जाएंगे, तो आप लोग ये बात को ध्यान रखना, बहुत निचोड़ के बनाया गया आपकी बुक्स को, तो इस बात को ध्यान रखना कि स्लाइड को एक भी वर्ड आपके लिए ऐसा नहीं है जिसको छोड़ो आप। ठीक है, बहुत तरीके से उसको देखना है और समझना है। तो इंटरडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट, इंटर मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन द नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। अब नेचर क्या होता है, टेक्नोलॉजी क्या होती है, इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, ये सब आपको समझना है। जरा देखिए, नेचर क्या है हमारा, नेचर तो सबको पता है, प्रकृति। टेक्नोलॉजी मतलब हमारे पास जो तकनीक है,
और इंस्टीट्यूशंस का मतलब है कि जो हम लोग इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं इन सो सबको रिसोर्सेस को यूज करने के लिए एक प्लानिंग करते हैं, कि इंस्टीट्यूशन बनता है, एक केंद्र बनता है, सेंटर बनता है जो कि प्लानिंग करता है। बिना प्लानिंग के अगर रिसोर्स को यूज किया जाए तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे पास कुछ बचेगा नहीं यूज करने के लिए। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो एक प्रॉपर प्लानिंग होना जरूरी है, उसके लिए इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं भाई। उसके लिए क्या बनाए जाते हैं? इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं जो कि प्लान करेगा, प्रोग्राम बनाएगा और उसके हिसाब से वो बताएगा कि कितना रिसोर्स पर्संस को या सोसाइटी को या किसी को यूज करना चाहिए। आर यू गेटिंग? यस सर। ठीक है, अब क्या है देखो जरा ये शिखर, हाँ बताओ ना। सर रिसोर्सेस तो फिक्स्ड है, तो उसमें वो लोग बताएंगे कि कैसे यूज करना है और कितना क्या यूज फिक्स्ड करना है? है क्या फिक्स्ड है? खत्म थोड़ी खत्म नहीं होंगे सर, खत्म हो जाएंगे ना, तो इसीलिए तो उसको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी सर। प्लानिंग करने के बाद भी तो एक ना एक दिन वो खत्म तो नहीं 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 नहीं, रिसाइकल होता है धीरे धीरे फिर बनता है, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें हैं जो टाइम लगता है, जैसे हर चीज रिसाइकल जो नेचर में होती है रिसाइकल करके एक टाइम पीरियड होता है, उसका बहुत लंबा टाइम लगता है, नो डाउट बहुत लंबा टाइम लगता है, इसीलिए उसको प्रॉपर प्लानिंग जरूरी है। पता चला कि 10 साल का खाना है, हम खा गए 2 साल में, अब 10 साल के बाद तो जुगाड़ कर सकते हैं, चाहे कहीं ना कहीं से हम बनाएंगे या उसका यूज होता है और मतलब रिसाइकल होके बनता है। जैसे आप लोगों को पता होना चाहिए ऑयल जो होता है, जो क्रूड ऑयल जो होता है, जो कि एक समुद्र के नीचे ठीक है ओशियन बेड्स में पाया जाता है, वो बहुत टाइम लेता है, दबा रहता है ठीक है, मतलब किस से फॉसिल्स होते हैं जो रिमेनिंग्स होते हैं वो दबे रहते हैं, मिलियंस ऑफ इयर्स लेता है, तो कोई नया चीज वो ऑयल या कोई भी चीज बनता है ठीक है, टाइम लेता है बनाने में बहुत लंबा, तो उस टाइम तक चलने के लिए या करने के लिए प्लानिंग तो चाहिए। पता चला कि यार पैसे वाला आदमी है, उसने अपने हिसाब से खाना दो रोटी है ले लिया 15 रोटी, अब क्या करेगा वो 12-13 रोटी का क्या करेगा पता है आपको? फेंक देगा सर, वेस्ट फेंक करेगा, वेस्ट करेगा, तो ये नहीं होना चाहिए ना। इसलिए तो प्रॉपर प्लानिंग की जरूरी होती है हर चीज में, हर कोई रिसोर्स को आप उसको मत ले लो, रोटी हो चाहे कोई भी हो, पानी है, अब पानी आप कितना यूज करते हो नहाने के लिए या कपड़ा धोने के लिए या किसी भी चीज के लिए, एक प्रॉपर वे होता है, आप अपने मन से चलाते रहते हो अपने घर में यूज करते हो, लेकिन वो गलत है। एक टेक्नोलॉजिकली प्रूफ्ड एक क्वांटिटी है कि पर पर्सन कितना वाटर यूज करना चाहिए किसी भी काम के लिए पर डे, तो वो लेकिन हम करते नहीं, उसको फॉलो नहीं करते हम लोग ठीक है। तो अब गांव में लोग ज्यादा यूज कर देते हैं, बल्ब नल चलता जा रहा है, पानी कहाँ जा रहा है किसी को पता नहीं ठीक है। तो ये सब चीजों को प्रॉपर प्लानिंग होना जरूरी है बेटा ठीक है। जैसे आप लोग के नगर निगम की पानी आता है, नल का पानी आता है, आप लोग कभी शहर गए होगे, आप लोग के झांसी में भी पानी आने का टाइमिंग होता है क्या? यस सर, पूरा 24 पर मेरा तो 24 घंटे आता है सर, 24 घंटे। अरे खुद का मोटर लगाया होगा ना तुमने? हां सर। उसका मतलब क्या, मतलब क्या सर? मतलब अपना मोटर लगाया होगा ना, प्लग दबा दिया, लाइट चालू कर दी, पानी ले रहे हैं, यही तो। अरे नल लगाया है सर, नल बोरिंग नहीं है, नल है सर। अरे सप्लाई का भी पानी आता है कुछ कुछ जगह पे झांसी में भी ठीक है, तो उसका टाइमिंग होता है कि इतने टाइम पे टैंकर वाला। अरे नहीं है सप्लाई, हाँ सर उसका टाइमिंग होता है सर, हाँ सर। अब यहाँ हाँ झांसी शहर तो चलो छोटा है, यहाँ पे इतना प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, छोटा का मतलब इन द सेंस उतना वो नहीं है, लेकिन अगर प्रॉपर प्लानिंग की गई है, या जैसे दिल्ली वगैरह में चले जाओ, मुंबई वगैरह में चले जाओ, वहां तो हर चीज का लाइनिंग है, जैसे एलपीजी भी वो पाइपलाइन के थ्रू आती है ठीक है। आप लोग को सिलेंडर नहीं भरवाना है बहुत जगहों पे, मेट्रोज में पाइपलाइन के थ्रू आता है आपको गैस। तो रिसोर्सेज जो है एक प्रॉपर प्लानिंग से हम स्टोर करते हैं, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रॉपर प्लानिंग से होना चाहिए, ताकि कोई दिक्कत आगे के समय में ना आए ठीक है। तो ये चीज हम कहना चाहते हैं ठीक है शेखर। यस सर। तो ये हाँ पूछ लिया करो ना, हैंड रेज क्या कर रहे हो, पूछो ना ऋषि क्या पूछने बताओ। सर मैं ये कह रहा था जैसा ये सर पेट्रोल लेता है मिलियंस ऑफ इयर्स सर, मतलब रेडी होने में, अब उसका खत्म हो गया तो सर फिर क्या, तो फिर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक कार्स का यूज करेंगे क्या? करेंगे, कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट निकालते हैं अपन,
इलेक्ट्रिक कार आने का ज्यादा वजह ये नहीं है कि पेट्रोल खत्म हो रहा है, ज्यादा वजह ये है कि पॉल्यूशन हम ज्यादा कर रहे हैं, एनवायरमेंट को क्लीन करना ज्यादा मेन पॉइंट ऑफ वो है, ठीक है, कि एनवायरमेंट जो है वो आपका क्लियर रहे पॉल्यूशन, क्योंकि नेचर में कोई भी चीज तभी प्रॉपरली काम कर सकती है जब एक बैलेंस बना रहे, बैलेंस का बने रहना बहुत जरूरी है, ठीक है, अगर कोई चीज बैलेंस नहीं रखोगे कुछ समय के लिए तो वो जाहिर सी बात है कि वो काम कर जाएगा या अच्छा भी करता है, लेकिन कुछ समय के बाद आपको दिक्कत होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बता रहे हैं, जैसे आदमी आप रात भर बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, आप दिन भर सो रहे हो, ये नेचुरल सिस्टम नहीं है, नेचर इसको वायलेट, आप नेचर के सिस्टम को वायलेट कर रहे हो, ठीक है, नेचर के अकॉर्डिंग रात सोने के लिए बनी है और दिन पढ़ने के लिए बना है, आप अगर रात में सोते नहीं हो, पढ़ते हो या कोई भी काम करते हो सकता है उस समय पे 2-4 साल 5 साल 10 साल आप बहुत सक्सेसफुल हो जाए या बहुत अच्छा काम करने, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र गिरेगी, जैसे जैसे आप आगे जाओगे, फिर आप आगे देखोगे यार हमें बहुत सारे बीमारी हो रही, बहुत सारा ये पॉइंट हो रहा है, बहुत सारी दिक्कतें, तो वो सब पता नहीं चलता कि ये रीजन था, उस समय पे नहीं पता चलता है कि ये रीजन था कि इस वजह से ये हो रहा है, लेकिन हर चीज का एक प्रॉपर बैलेंस होना बहुत जरूरी है, प्रॉपर बैलेंस होना बहुत जरूरी है, इस बात को आप लोग समझे, ठीक है, बैलेंस सिस्टम को अगर नहीं रखोगे, नेचर में अगर चीजें बैलेंस नहीं रहेंगी तो इनबैलेंस जहां भी आएगा वहां पे हलबड़ी मचेगी, वहां पे कुछ ना कुछ दिक्कत होगा, ठीक है, चलिए, ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विथ नेचर, हम लोग इंटरैक्ट करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं पेड़ों से, ठीक है, फिर उसको धुआं दे देते हैं, चलो भाई ले लो, तो वो क्या है, गड़बड़ है ना, ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्या करता है ये टेक्नोलॉजी के थ्रू इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करते हैं हम लोग और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्रिएट करते हैं, क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्रिएट करते हैं, एक ये देखो रिलेशन बताया, तीनों में इंटरडिपेंडेंसी दिखाया है, ये फिजिकल एनवायरनमेंट है नेचर, फिर टेक्नोलॉजी और फिर इंस्टीट्यूशन, इन सब में कैसे एक दूसरे के पास इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ये काफी हद तक एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट, एक भी दिक्कत हो गया तो एक को भी तो दूसरा हो जाएगा परेशान, ठीक है, ये ह्यूमन बींग्स, आगे बढ़ते हैं, अब ये रिसोर्सेस का क्लासिफिकेशन देख लीजिए, आप रिसोर्सेस का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, रिसोर्सेस जो हैं सबसे इम्पोर्टेंट दो तरह के, एक है नेचुरल और एक है आर्टिफिशियल, मतलब ह्यूमन जो आदमी लोगों ने खुद ने बनाया है जिसको हम लोग यूज करते हैं। रिसोर्सेस आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, वन इज नेचुरल रिसोर्सेस, अदर वन इज ह्यूमन, आर्टिफिशियल भी कह सकते हो आप लोग इसको, आर्टिफिशियल मैन मेड भी कह सकते हैं, आर्टिफिशियल और मैन मेड भी कर सकते हैं, मैन मेड और आर्टिफिशियल, ठीक है, दो पहले नेचुरल जो है वो दो तरह का होता है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल का मतलब जो कि रिन्यू हो पाए, जो कि अपने आप को रिन्यू हो पाए वो, ठीक है, और नॉन रिन्यूएबल मतलब जिसका रिन्यूएबल नहीं हो सकता, ठीक है, ये साइकिल और उससे मत कंपेयर करना इसको, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल बिल्कुल अलग टर्म होते हैं, रिन्यूएबल मतलब कि विंड एनर्जी जैसे होगी, सोलर हो गई, रिन्यूएबल है, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल में मतलब कि जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है, उनको फिर से यूज करके हम लोग कुछ और नहीं बना सकते हैं, ठीक है, अब वैसे ही मैन मेड में दो होते हैं, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन, स्ट्रक्चर्स एंड institutions, और दूसरा होता है quantity एंड quality, structures एंड institutions, जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग हम लोग बनाते हैं, आदमी बनाता है ना बिल्डिंग,
या ट्रेन या कोई भी रिसोर्स जो हम लोग यूज करते हैं, स्ट्रक्चर्स और इंस्टीट्यूशंस, किसी को भी, स्कूल है, स्कूल किसने बनाया? स्कूल रिसोर्स है, आप पढ़ते हो वहां पे जाके, आपके लिए रिसोर्स है, लेकिन कौन बनाया? बंदे लोगों ने बनाया, मैनमेड है, आर्टिफिशियल है, यो नेचर का नहीं है, नेचर से नहीं बना हुआ है. तो ये स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस. एंड सेकंड वन क्वांटिटी. हां बताओ सर. टॉपिक के बाहर का क्वेश्चन है सर, मेरे लैपटॉप की स्क्रीन सर उल्टी हो गई है, मैं को सीधा कैसे करूं सर? सब उल्टा दिखाई दे रहा है. क्या कहा हो गया सर? मतलब स्क्रीन सर उल्टी हो गई है सर, मैं उसको सीधा कैसे करूं? सब उल्टा दिखाई दे रहा है. वो तुम कंट्रोल ऑल्ट और अप वाला एरो पे क्लिक करो. कंट्रोल ऑल्ट और कंट्रोल ऑल्ट और ऑल्ट अप वाला एरो. हो गया, कर रहा हूँ सर. इतना टाइम थोड़ी लगता है. नहीं हुआ सर. हो गया. नहीं हुआ. हो गया. टाइम लगता है थोड़ा. हाँ सर. थैंक यू शिखर. थैंक यू. वेलकम. चलो भाई, तो ये स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक, और क्वांटिटी एंड क्वालिटी की बेस पे भी ह्यूमन के जो मैनमेड रिसोर्सेस होते हैं वो भी क्लासिफाइड होते हैं. अब हम जरा रिन्यूअल को आगे चलते हैं. ये हमारा ज्यादा पॉइंट ऑफ हमारा डिस्कशन नहीं होगा. मैनमेड आर्टिफिशियल को हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इस चैप्टर में. हम नेचुरल रिसोर्स को, चूंकि जियोग्राफी का चैप्टर है इसलिए नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा यूज होंगे, वो हम लोग ज्यादा पढ़ेंगे, रिन्यूअल नॉन रिन्यूअल, ठीक. अब रिन्यूअल जो होता है दो तरह का होता है, कॉन्टिन्यूअस ऑफ फ्लो के फॉर्म में और एक बायोलॉजिकल. अभी डिटेल में करेंगे हम इसको, पहले इस पे फ्लो चार्ट को देख लो आप लोग. रिन्यूअल कॉन्टिन्यूअस ऑफ फ्लो, जैसे विंड है, वाटर है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है ये. और बायोलॉजिकल मतलब कि वो फिक्स है. बायोलॉजिकल का मतलब है कि वो कॉन्टिन्यूअस में नहीं है, मतलब कि फ्लो में नहीं है, ठीक है, हम बताएंगे सारी चीजें. अब नॉन रिन्यूअल में दो तरह का होता है, रिसाइकलेबल और नॉन. रिसाइकल हो सकता है, रिसाइकल नहीं हो सकता है. जैसे प्लास्टिक है, रिसाइकल क्या होता है, एक बायोडिग्रेडेबल नहीं हो सकता है. बायोडिग्रेडेबल हो सकते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं हो सकते हैं. तो अलग अलग भी तरह के उसमें भी होते हैं. तो रिसाइकलेबल और नॉन रिसाइकलेबल. इसके बाद बायोलॉजिकल दो तरह का, एक नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ. नेचुरल वेजिटेशन में आपका फॉरेस्ट आएगा, नेचुरल वेजिटेशन में आपका फॉरेस्ट आएगा. वाइल्ड लाइफ का मतलब वहां के फ्लोरा और फौना जो होंगे वो आएंगे, ठीक है. जो वहाँ पे फ्लोरा और फौना मतलब प्लांट और एनिमल्स जो होते हैं, जिनकी वजह से हमारे में नेचुरल बैलेंस बना रहता है, वो हमको इधर दिखेगा आपको, किधर, वाइल्ड लाइफ में. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम सुना आप लोग ने? वाइल्ड लाइफ रिजर्व का नाम सुना होगा? यस सर. यस सर. गया है कोई वाइल्ड लाइफ रिजर्व? हाँ सर, मैं गया सर. कहाँ पे? बनागट्टा में, वो बैंगलोर में बनागट्टा. कौन सा? बैंगलोर में बनागट्टा. अच्छा. उसका सर ऐसे नाम है दीप का. और कोई गया है कहीं पे? Anyone else? सर में जीप बैठ के जाते हैं सर, एक छोटी सी है सर, छोटी सी, या तो जीप रहती है या तो सर बस रहती है. ठीक है, हम समझ गए. आप कोई और गया नहीं? नमन आप भी नहीं गए हो क्या? बच्चे हो यार, आप लोग घूमना चाहिए इधर उधर है क्यों? शेखर आप भी नहीं गए? वाइल्ड लाइफ, अरे नेशनल पार्क, नेशनल पार्क गया है कोई? सर मैं दोनों जगह गया हूँ सर. नाम भूल सर, मैं दोनों जगह गया हूँ, नाम भूल गया हूँ सर. लोकेशन बताओ कहाँ का था सर? लोकेशन वो याद कर रहा था सर, दोनों सब घुमा है सर मैंने, लेकिन सबका नाम भूल जाता हूँ. जगह के नाम पंचतंत्र पार्क गया हूँ. कौन सा करिश्का? पंचतंत्र पार्क. कौन सा? पंचतंत्र. हाँ सर. अबे नेशनल पार्क से नेशनल पार्क पार्क अब रानी लक्ष्मीबाई पार्क भी कह दो ना, गया हूँ. यार कैसी कैसी बात करते, कहाँ की बातें हो रही. नेशनल पार्क मतलब कि क्या होता है आपको पता है सर? पता है सर. सर कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखी आपने? हाँ हम भी नहीं गए यार, हम भी नहीं गए.
रणथंभौर नेशनल, आप तो कह रहे थे बच्चों को घूमना चाहिए, आप भी तो बच्चे, हम तो थे ना तब नहीं घूमे थे ना। जिम कॉर्बेट एक बहुत फेमस नेशनल पार्क है, सुना है किसी ने? हाँ सर सुना है। कहाँ पे? वेरी गुड, उत्तराखंड में। बहुत अच्छी बात है, पूछ लिया है। कौन सा सर? मद्रास में गए थे सर, मद्रास। मद्रास में गए थे? यस सर। नेशनल पार्क घूमा है सर। हाँ अब सर सब घूमे हैं सर, अब ना ऐसा आप डिटेल में पूछेंगे तो कैसे बता दें। और क्या, जब घूमे हो तो सबको बताओ फीलिंग्स कैसी, कैसे हम लोग गए थे, क्या घूमे, क्या देखे नेशनल पार्क में। अब सर फीलिंग्स तो, फीलिंग्स कैसे बताएं सर, फीलिंग्स नानमंगलम में गए थे क्या? नानमंगलम में गए थे? नहीं सर, हमको नाम याद नहीं है सर, कह तो रहे हैं। चेन्नई स्नेक पार्क में गए थे क्या सर? स्नेक पार्क तो था ही नहीं सर, पहली बार स्नेक पार्क तो था ही नहीं सर। नहीं है ना, एक चेन्नई में, चेन्नई इस पे स्नेक पार्क है। रुक जाइए सर, गूगल पे देखते हैं। चेन्नई सर, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सर आप उससे ज्यादा घूम के आए हो। नहीं, हम आगे चल के आप लोगों को कई सारे नाम याद होना पड़ेगा। आप भले घूमे ना हो लेकिन नाम याद होना चाहिए, क्योंकि जीके में आपके मतलब कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछता है कि जिन कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे गए नहीं हो, ये थोड़ी पूछेगा कि गए हो कि नहीं, ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कहाँ है। ठीक है, एक बहुत फेमस नेशनल पार्क है आपका तमिलनाडु में, गुंडी। सब बहुत बढ़िया नाम है उसका, सही रहा। मुंडी नाम नहीं है सर, गुंडी है, गुंडी नेशनल पार्क। ठीक है, चलो हटा देते हैं ये सब मैटर, आप लोग समझ सकते हो। ये हम बता देंगे, लिस्ट कुछ दे देंगे, वो याद करना आपके फ्यूचर के लिए बहुत सही रहेगा। मतलब आगे रणथंभौर क्या है? रणथंभौर भी एक नेशनल पार्क है, रणथंभौर भी एक नेशनली पार्क है भाई साहब। ओके सर। बहुत फेमस नेशनल पार्क है इंडिया का ये। हाँ सर, पूरे मतलब गूगल पे सर्च करना तो सारी वेबसाइट पे गुंडी 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 आ रहा है सर, कुछ नहीं आ रहा है। तो है, बताया तो है गुंडी नेशनल पार्क आएगा, आपने जो बताया सब आ रहा है सर, स्नेक पार्क भी आ रहा है, ये क्या है, नावा मंगलम और वो गुंडी, ये तीन ही आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहा। हाँ तो यही है, तीनों अच्छे पार्क है वहाँ पे। और का टोटका कर दिया सर आपने गूगल पे। सर अपनी मीटिंग खत्म होने वाली है सर, मीटिंग खत्म हो रही है। हाँ 40 मिनट की है ना वो, आज क्लास सर आपने फ्री वाली इस्तेमाल करी? नहीं, वो क्लास बिजी थी सारी, मतलब आईडी सारी, अरे सारी आईडी बीजी है ना, इस वजह से हुआ इस पे। चलो ठीक है, आपकी आईडी, अरे ये दूसरी मेरी ईमेल आईडी है। फ्लो चार्ट आपको समझ में आया? अभी तो बहुत टाइम है। फ्लो चार्ट ये है आपका, जो नेचुरल में दो रिन्यूअल नॉन रिन्यूअल, फिर रिन्यूअल में दो कॉन्टिन्यूस बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल में दो नेचुरल फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, और नॉन रिन्यूअल में रिसाइकलेबल नॉन रिसाइकलेबल, ये आपको क्लासिफिकेशन याद रहना चाहिए, समझ में आना चाहिए। थोड़ा सा एक बार दिमाग में एक बार देख लोगे, ये फ्लो चार्ट अच्छे से कलर करके बनाना अपनी कॉपी में, ताकि अच्छे से आप लोग को ये याद रहे। ठीक है? यस सर, यस सर। चलिए आगे करते हैं हम लोग। लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स आप लोग को पता है, ये फोटो ऐसे ही डाल दिया मैंने, देख लो जरा। कुछ लिविंग थिंग्स होते हैं, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, आप लोग को पता है, ये तो सिंपल है। अब क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कई सारी बेसिस पे, जैसे हम लोग एसिड का क्लासिफिकेशन किए थे ना, वैसे यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, फर्स्ट वन इज बायोटिक रिसोर्सेस। चलिए जरा देख लेते हैं बायोटिक क्या होता है। ए बायोटिक बहुत सिंपल है भाई, बायोटिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर, ठीक है, जिसके पास लाइफ होता है, लिविंग बींग्स को हम लोग बायोटिक सोर्स से कहेंगे, लाइफ होना चाहिए उसके अंदर, बायोटिक है तो, बायोटिक है तो मतलब लाइफ है उसके अंदर। ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोस्फीयर,
अच्छा तीन चीजें होती है, मैं बताऊंगा कल की क्लास में आप लोगों को। नेशनल पार्क होता है, ठीक है। अब ये क्या क्या इसमें अंतर होता है, ये भी बहुत मतलब अच्छी चीजें समझ में। बायोस्फीयर और सर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हाँ, उसके अंदर एक वेटलैंड भी होता है, बायोस्फीयर और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है और उसके पास वेटलैंड। वेटलैंड का भी नाम सुने हो आप लोग, सुने हो गए? नहीं सुना है? नहीं सर। वेटलैंड भी होते हैं, तो ये सारे एक बताएंगे कल पूरा, चारों चीजें हम बताएंगे, ठीक है। ये नेशनल पार्क का रीजन सब, अब खोलोगे तो फिर वही हो जाएगा, टाइम बचा ही नहीं उतना कि हम इसको पूरा एक्सप्लेन कर पाए, कल कर पाएंगे इसको। नेशनल पार्क वो होता है जिसका सबसे ज्यादा एरिया होता है, सबसे बड़ा एरिया होता है, उसके अंदर बायोस्फीयर होता है, उसके अंदर फिर वाइल्ड लाइफ होता है, और उसके अंदर छोटा सा एक लैंड को वेटलैंड कहते हैं, जहाँ पे पानी होता है, लेकिन उसमें बहुत ही अच्छे जानवर, मतलब जो काफी नेचर के लिए काफी अच्छे फ्लोरा एंड फौना होते हैं और उस एरिया के लिए काफी अच्छे हैं, जो कि हमारे उसमें रेड लिस्ट में है, तो उनको कंजर्व किया जाता है, ठीक है। तो बताएंगे हम क्या होता है रेड लिस्ट और ये सब चीज क्या होता है ऑब्टेंड। हाँ बताओ ना ऋषि, क्या पूछ रहे हो? सर मैं बुक देख रहा था, तो सर ये फ्लो चार्ट के अंदर नहीं है क्या सर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन? नहीं, अब उससे निकल गए हम लोग बाहर, फ्लो चार्ट हो गया, उससे बाहर निकल गए हम लोग, अब उसी को देख रहे हैं क्लासिफाई करके। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेस ही चल रहा है, लेकिन पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओके सर, म्यूट करो, किसका है ये? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, पहला है ऑब्टेंड फ्रॉम द बायोस्फीयर, सेकंड हैविंग द लाइफ, उसके अंदर लाइफ होना चाहिए, थर्ड इज एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स, फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक। फिशरीज जो मछलियां उछलियां होती हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हमारी आएंगी किसमें? हमारी आएंगी इसमें बायोटिक रिजर्व में। एबायोटिक क्या हो गया? ए लग गया, बस काम खत्म। ए लग गया ना, काम खत्म। ए लग गया, ये आप लोग पता है ना लाइव स्टॉक का मतलब क्या होता है? पता है नहीं पता है? शायद बताएंगे जानवर से कोई संबंधित होता होगा। तो पूछ क्यों नहीं रहे हो? पता ही नहीं, जब फालतू फालतू के डाउट पूछते रहोगे, लाइव स्टॉक नहीं पूछ रहे हैं। नवान पटेल पता है? नोप सर, नोप सर। म्यूट तो करो, हम जान गए आपका नोप है, नोप है। हाँ सर, लाइव स्टॉक मतलब सर, सर जानवरों को पालना और उनको मतलब रियरिंग शेयरिंग करना। हाँ, डोमेस्टिकेटेड मतलब घर जैसे रखना है, मतलब जिसके घर में जैसे गाय भैंसे जो रखी जाती है वो लाइव स्टॉक होता है, ठीक है। जो लोग गाय भैंसे को रखते हैं, पालते हैं, जैसे मतलब कि पालतू जो जानवर होते हैं उनका मतलब है ये, ठीक है। अबायोटिक रिसोर्स मतलब कंपोज ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स। अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स वाले। एग्जाम्पल रॉक्स, मेटल्स। रॉक्स एंड मेटल्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द अबायोटिक सोर्सेस, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। ओके देन, आगे बढ़ते हैं। बाय सर, थैंक यू सर। अरे बाय सर, थैंक यू। जाओ सर, आप फिलो करना भी। बाय, आगे बढ़ते हैं, मैं ये बोले। अच्छा टाइम नहीं बचा, तुम्हें कुछ सब पता है। ए बायोटिक है, कहा गया यार? अरे सर फिर से कनेक्ट करनी है क्या मीटिंग से खत्म होने के बाद? नहीं, कर लेंगे खत्म, कितना पढ़ेंगे। बायोटिक और बायोटिक, ठीक है। बायोटिक ए बायोटिक, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। डिवाइडेड बाय डिवाइडिंग द एनवायरमेंट। चलो, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब कि खत्म होना, एग्जॉस्ट हो जाना, मतलब कि खत्म हो जाना, एंड हो जाना, बिल्कुल समाप्त हो जाना। तो एग्जॉस्टिबिलिटी ये थोड़ा सा अनक्लियर टाइप का होगा आप लोगों को। एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी दो तरह के होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। देखो इधर रिन्यूएबल दिख रहा है, ये है विंड, ये सोलर विंड, और ये आपका पाए हाइड्रो है पानी से। तो ये सारे क्या है, हमारे एग्जॉस्ट नहीं होंगे, ये हमारा क्या है, रिन्यूएबल सोर्सेस होते हैं, ये हमारे रिन्यूएबल सोर्स होते हैं, खत्म नहीं होंगे हमको,
मतलब ये हमको मिलते ही रहेंगे, लेकिन नॉन रिन्यूएबल में देखो बैटरी है, पेट्रोल आएगा, कोयला आएगा, न्यूक्लियर आएगा, ये सारी चीजें आपकी क्या आएंगी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारी चीजें क्या एग्जॉस्ट हो सकती हैं, खत्म हो सकती हैं। तो ऑन द सेकंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, सेकंड क्लासिफिकेशन इज द ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, फर्स्ट वाज ऑन द बेसिस ऑफ अरे इसके पहले हमने जो किया वो कौन सा था, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, भूल ही जाते हो तुम्हें को क्यों याद, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एंड एबायोटिक, और उसके बाद एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे दो, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। आगे अब पढ़ लेते हैं क्या होता है रिन्यूएबल और क्या होता है नॉन रिन्यूएबल जरा डिटेल में, ठीक है। रिन्यूएबल में देखिए जरा जल्दी जल्दी पढ़िए, एक आदमी जल्दी सोम अग्रवाल पढ़ो क्या लिखा है, सोम अग्रवाल पढ़िए जल्दी। अरे सर दिखाइए तो, अरे रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर, हाँ बोलो ना बोलो, बोलो, बोलो। सर रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल एंड रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज व्हिच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस, एग्जांपल सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ईटीसी। Renewable resources may further divided into continuous or flow resources, example wind and water. और इसमें एक और biological भी था, ठीक है। तो जरा देखेंगे क्या वो पढ़ाई इन्होंने, बस पढ़ी दिया कुछ समझा कि नहीं समझा हमको नहीं पता, जरा देखिए। अरे सर समझा था बताए सर, अब चलो रुक जाओ। रिन्यूएबल सोर्सेस आर रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल, रिप्लेनिशेबल मतलब फिर से उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, मतलब कि अपने फिर से बन जाती, खत्म नहीं होती। हाँ, रिसोर्सेस विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड, स्पेलिंग कितनी घटती है, रिप्रोड्यूस्ड क्या गलत है इसमें, सर रिप्रोड्यूस, हाँ रिप्रोड्यूस्ड बाई फिजिकल बायोलॉजिकल की सर बी आई यू, हाँ हाँ वो तो मैंने ही लिखा है, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये, आर द विंड एनर्जी, हाँ विंड एनर्जी, वाटर फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ रिन्यूएबल सोर्सेस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू कंटीन्यूअस एंड बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल हम पढ़ेंगे कल और कंटीन्यूअस कल पढ़ेंगे। ओके देन, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।